आरएएस भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा में विभागीय मंत्रालय के कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक कोटे में अपात्र अभ्यर्थियों को पास करने के मामले में आरएएस भर्ती सहित अधीनस्थ सेवा के इंटरव्यू पर लगाई रोक को बरकरार रखा है। वहीं आरपीएससी को कहा है कि वह 14 दिसंबर तक शपथ पत्र पेश कर बताएं कि उन्होंने अपात्र अभ्यर्थियों को हटा दिया है। जस्टिस एसपी शर्मा ने ये अंतरिम निर्देश गुरुवार को प्रेम सिंह राठौड़ और अमित शर्मा सहित अन्य की याचिकाओं पर दिया। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।